राधे श्याम। राधे राधे। देखो महाराज जी, ऐसा है कि हमारी सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि 3 घंटे की हमने भागवत सुन ली, फिर भी आपसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो बताओ बताओ, आपका कोई सवाल है? मेरा कोई सवाल नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा मैं तो आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आपके दर्शन हो गए, भगवान किसने देखे हैं कि स्वयं भगवान बैठे हैं। महाराज जी जो हैं वो स्वयं भगवान हैं। ठीक है महाराज जी, हम सब भगवान के दास हैं। जी जी, एक सेकंड। तो महाराज जी ऐसा है कि आप में तो मुझे कृष्ण जी दर्शन होते हैं बिल्कुल, और जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी हैं कहाँ, उनमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं मुझे बस। तो मैं तो उनको मानता हूँ, जिससे नज़र हटे नहीं वही भगवान है। ठीक। और जिनको देख के आंसू आ जाएं वही भगवान है। मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत पापी इंसान हूँ जो मैं आपसे सवाल भी नहीं कर सकता। खुश रहिए, खुश रहिए, मेरा कोई सवाल नहीं है बस। वहाँ देना वो बहन को माइक, वो बहन भैया को देना, इसके बाद उनको ये भैया को देना। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम कान्हा जी का सेवा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद उसको लेके घूमना चाहिए या सैर कराना चाहिए कि नहीं, या उनको वहीं बैठा के रखना चाहिए? आप यदि उनकी सेवा पूजा व्यवस्थित रूप से कर सकें तो लाने ले जाने में यदि उनको सुव्यवस्थित पूजा आरती हो सके तो ला ले जा भी सकते हैं। जी, और एक और प्रश्न था, मेरी माता जी का प्रश्न था, वो एकादशी करती हैं लेकिन तबीयत खराब रहता है उनका, तो बीच बीच में छूट जाता है, और मैं अभी 1 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ उपाय? करते रहिए, कंटिन्यू करिए, सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल है कि मैं कृष्ण भगवान जी की भक्ति करती हूँ, तो कान्हा जी को पाने के लिए मुझे बहुत वैराग्य लग रहा है कि मैं उनके दर्शन करूँ। मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी कि कान्हा जी मुझे कब मिलेंगे। जैसे कीर्तन वगैरह होते हैं तो उनमें तो पहले मुझे लगता है कि मैं बहुत नाचूं, मैं कृष्ण भगवान जी के भजनों में मैं नाचती हूँ, फिर उनके मतलब मैं बहुत रोना आता, मैं बहुत रोती हूँ कृष्ण भगवान जी को पाने के लिए। ठीक है, भगवत प्रेम में रो लेना भी अच्छी बात है, खुश रहिए, रोते रहिए प्रेम में। वहाँ देना चश्मों वाली बहन को, आएगा अभी, आपको बात करनी है, अभी करेंगे उनसे बात करेंगे। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम काजल है और मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। हम आपका 3 साल से कथा सुन रहे हैं और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है मुझे, एक बार स्माइल करके दिखाइए आप। कर रहे हैं। आप, मैंने ना एक आंटी सुना था कि कान्हा जी को रखते हैं ना तो कान्हा जी को कहीं घुमाते नहीं है। एक आंटी कह रही थी कान्हा जी रख लेते और घुमाते रहते हैं। कहाँ घुमाती हैं? वृंदावन आए तो हम वृंदावन लाए, जैसे बाहर जाते हैं घूमने ना तो वहाँ लेके जाते हैं, तो ऐसे मतलब। देखो भगवान का भी कई बार मन करता है घूमने का, इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, साल में एक बार भगवान घूमने निकलते हैं। यदि उनकी सेवा आरती पूजा सुव्यवस्थित कर सकते हैं तो उन्हें वृंदावन जैसे आ पा रहे हैं, तो सुव्यवस्थित वृंदावन ले आओ, जिस कमरे में रुके हैं वहाँ उनकी समय से आरती पूजा सेवा करो और वृंदावन का दर्शन करो, और जब जाओ तो सुव्यवस्थित। यदि उनकी सेवा कर सको तो लाने ले जाने में कोई बुराई नहीं। राधे राधे गुरुजी। ला ले जा करके फिर सेवा ना कर पाओ उसमें दिक्कत है। राधे राधे गुरुजी।